बेसन का नाश्ता बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन लिए हैं, ये एक बड़ा चम्मच चावल का आटा है। चावल के आटा के जगह पे आप सूजी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गाजर, उसको हम क्रश कर लिए हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा छोटा चम्मच राई, नमक, आधा छोटा चम्मच चिली सॉस, एक छोटा चम्मच टमेटो सॉस, धनिया पत्ती उसको हम बारीक काट लिए हैं, थोड़ा सा करी पत्ता, दो हरी मिर्च उसे हम बारीक काट लिए हैं, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा उसे हम क्रश कर लिए हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल में बेसन को डाल देते हैं। चावल का आटा, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ती, अदरक क्रश किया हुआ, हरी मिर्च, गाजर, और नमक स्वाद अनुसार। ये सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी को डाल करके इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसका हम घोल तैयार कर लिए हैं। इतना ही गाढ़ा रखना है। अब इसमें हम नींबू का रस को डाल देते हैं और इसे हम मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक दूसरे बर्तन में हम चारों तरफ से रिफाइंड ऑयल को लगा दिए हैं और इसमें हम घोल को डाल देते हैं। इधर गैस ऑन करके एक पतीले में ये लगभग 1 गिलास पानी को डाल दिए हैं और पानी भी गर्म हो गया है। अब इसमें एक स्टैंड को डाल देते हैं। स्टैंड को डालने के बाद में इसमें हम इसे डाल देते हैं घोल को, और गैस का फ्लेम को मीडियम करके इसे हम ढक देते हैं, और गैस का फ्लेम को मीडियम करके लगभग 15 मिनट तक इसे हम पका लेते हैं। लगभग 15 मिनट हो गया, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से पक गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे एक चाकू की सहायता से चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन चाकू निकला। अब इसे हम इसमें से निकाल देते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। अब ये ठंडा हो गया, इसे हम एक प्लेट में इस तरह से करके पलट देते हैं। और इसे हम चाकू की सहायता से पीस पीस में काट लेते हैं। इस तरह से इसे हम पीस पीस में काट लिए हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम राई को डाल देते हैं। राई चटकने लगा, इसमें हरी मिर्च, एक हरी मिर्च है उसको हम 2 पीस में काट लिए हैं, उसे भी डाल देते हैं। इसमें हम करी पत्ता को डाल देते हैं। अब इसमें हम इसे डाल देते हैं। और अच्छी तरह से इसे हम मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम टोमेटो सॉस को डाल देते हैं। और चिली सॉस को भी डाल देते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम धनिया पत्ती को डाल देते हैं। और झटपट बेसन का नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। बेसन का नाश्ता को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए।